बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंदर विद्यार्थियों, हम व्यवसाय के उद्देश्य और व्यवसाय के बहुउद्देश्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुउद्देश्यों को मैंने बिंदु वाइज आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की थी गत वीडियो के अंदर। आज जो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि जो बिंदु मैंने याद करवाए थे उसकी व्याख्या सहित हम चर्चा करें, उन बिंदुओं का क्या मतलब है उन्हें हम समझेंगे, एक एक बिंदु को समझेंगे। उसको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है और आपको पहले मेरे शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, फिर किताब के भाषा से भी समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। फिर इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे उसके बाद प्रश्नोत्तरी भी उसकी हल करेंगे। व्यवसाय का बहुमुखी जो उद्देश्य होता है, बहुउद्देश्य होता है, वो एक व्यवसाय को संपन्न होने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए लाभ से ज़्यादा समाज की को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रियान्वयन किए जाने चाहिए ताकि वो समाज के अंदर नियंत्रित बनाए रखे और नियंत्रण बनाने के उपलक्ष्य में वो तमाम प्रकार के ऐसे कार्य करे जिससे हर एक वर्ग को संतुष्टि प्रदान हो। तो वो क्या करेगा, एक बाजार की स्थिति को जानेगा, एक उद्यम यानी कि जो व्यवसाय जो खड़ा है, एक उद्यमी उसमें जो व्यवसाय करता है, विद्यार्थियों गौर करें मेरे शब्दों को सुने, एक उद्यम जो व्यवसाय खड़ा है या एक फैक्ट्री है या एक व्यवसाय इकाई है, वो पूरा एक उद्यम है, पूरा एक उद्योग है। अब उसके अंदर जो उद्यमी जो व्यवसाय कर रहा है वो उद्यमी होता है, जो व्यवसाय करता है, जो जोखिमों से जूझकर आगे की ओर बढ़ता है, लाभों के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवसाय प्रणाली को अपनाता है, वो एक उद्यमी होता है, जो इंसान होता है, जो व्यवसाय के लिए अग्रणी रहता है। एक उद्यम जब बाजार की परिस्थितियों को जानता है, वो अपनी प्रतियोगी की भावनाओं, उपभोक्ताओं को किस प्रकार संतुष्ट करना है, उनकी उत्पादकता में किस प्रकार की वृद्धि लाना है और उपभोक्ताओं को क्या रुचि है उसके अनुसार कैसे वस्तु का उत्पादन करना है, एक उद्यमी उन तमाम प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर बाजार की स्थिति को जानकर वो उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए तमाम कार्य करता है। तो ये बाजार की स्थिति से तात्पर्य रहा कि बाजार की स्थिति से आपका क्या तात्पर्य है। एक उद्यम की अपनी प्रतियोगी से संबंधित अवस्था से एक उद्यम होता है, यानी कि वो बड़ा व्यवसाय जो ढांचा खड़ा हुआ होता है वो अपनी प्रतियोगी संबंधित अवस्था से है। उसके सामने कौन सी प्रतियोगी अवस्था है, यानी कि उसके सामने कौन सी कंपटीशन की अवस्था उनके सामने उभर कर सामने आ रही है। हम कह सकते हैं कि बाजार की स्थिति से हमारा तात्पर्य यह है कि एक उद्यम होता है जो उद्यमी करता है वो अपने प्रतियोगी से संबंधित अवस्था से, एक ऐसी अवस्था जो उनकी प्रतियोगिता जैसे कॉम्पिटिशन बोलते हैं जो उसके सामने खड़ी है, जो उसकी चुनौती जो हम कह सकते हैं उसकी एक अवस्था से लगाई जाती है। तमाम प्रकार का जो उद्यमी होता है वो अपने उद्यम के सामने जो प्रतियोगी होता है उससे वो चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए वो खड़ा रहता है और उन चुनौतियों से टकरा कर वो विभिन्न प्रकार के ऐसे समायोजन ढूंढता है, ऐसी समस्याओं का निवारण करता है। वो संबंधित जो भी अवस्थाएं रहती है उस अवस्थाओं से निपटना बाजार की स्थिति के अंदर एक उद्यमी का कार्य होता है। एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं के प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाना, एक उद्यम बहुत बड़ा जो व्यवसाय खड़ा है वो अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाएगा। जैसे कि ये एक पेन है, इस पेन से भी एक अच्छा पेन सामने वाली को संस्था उत्पादित कर रही है, मगर हमारे जो उपभोक्ता है उनको वो पेन अच्छा लग रहा है क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। तो फिर क्या होगा कि जो उद्यम है, जैसे कि ये मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन का जो उद्यम होगा, जो व्यवसाय होगा, वो उद्यमी क्या करेगा, इससे भी जो सामने वाली संस्था है उससे भी बेटर पेन को उत्पादित करेगा और उपभोक्ताओं की संतुष्टि करेगा ताकि उपभोक्ता उधर की तरफ ना जाकर इधर की तरफ खींचे आए। दौर गए, एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं की प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाना तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए। ये बाजार की एक स्थिति होती है, विभिन्न प्रकार की बाधाओं का निरीक्षण प्रशिक्षण किया जाता है। एक उद्यम अपने प्रतियोगी जो सामने जो वस्तु उत्पादित हो रही है उन प्रतियोगी वस्तुओं से उभर कर अपने उपभोक्ताओं को संतुष्ट करेगा और उपभोक्ताओं के अनुसार माल का उत्पादन करेगा ताकि उपभोक्ता बने रहे और संतुष्ट रखने के लिए वो पैरों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। विद्यार्थियों गौर करें, यही बाजार की स्थिति होती है। अब मैं विस्तारित रूप से एक बार बात करूंगा, एक उद्यम की अपनी प्रतियोगी से संबंधित अवस्था है। बाजार की स्थिति से तात्पर्य है कि एक उद्यम जो बहुत बड़ा व्यवसाय होता है अपने प्रतियोगियों से संबंधित जो भी उनके सामने जो अवस्था रहती है उनका निरीक्षण करना, एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं का प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाना, जो उपभोक्ता है उनको प्रतियोगी जो भी उत्पाद हो रहा है उनसे भी ज्यादा बेहतरीन उत्पाद यानी कि कोई भी वस्तु उपलब्ध करवाना तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। ये एक बाजार की स्थिति
होती है और ये व्यवसाय का बहुमुखी उद्देश्य भी होता है। अगला बिंदु है नव परिवर्तन। नव परिवर्तन से विद्यार्थियों मैंने आपको पहले अवगत कराया, इसका मतलब इनोवेशन होता है, कोई भी चीज नहीं नई करना, यानी कि आप कोई विधि अपना रहे हो उस विधि में भी और कोई चीज नहीं लाना। जैसे कि हम मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं और मैं इसको पढ़ाते हुए अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदलूं, अपनी कला को बदलूं और आपके सामने तकनीकी रूप से और भी ऐसी कुछ मोटिवेशनल बातें कर आपके दिमाग के अंदर एक ट्रिक और टैक्स ऐसे बिंदुओं को सेट करूं, ये एक नव परिवर्तन होता है, नई तकनीक होती है। जिस प्रकार जैसे पहले आप घर पे स्कूल आकर पढ़ते थे और आज आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, ये भी एक नई तकनीक है, नव परिवर्तन है, इनोवेशन है स्कूलों के लिए। यानी कि नव परिवर्तन, इसके अंदर क्या होता है कि नए विचारों का समावेश होता है, अपनी बौद्धिक क्षमता से अपन विभिन्न प्रकार के नए विचार लाते हैं, अपन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन रणनीतियों को लेकर आते हैं बाजार में स्थापित रहने के लिए, नए विचारों का समावेश होता है, जो विधि अपन अपना रहे हैं उस विधि में थोड़ा और परिवर्तन लाया जाता है और उस विधि में थोड़ा और परिवर्तन लाकर उसमें नवीनता लाई जाती है। तो गौर करें और ये नव परिवर्तन दो रूपों में, दो विधियों में चलता है, यानी कि क्या उत्पाद अथवा सेवा में नव परिवर्तन करना, कोई माल को आप उत्पादित कर रहे हो तो उसमें नव परिवर्तन, नई चीज लाना, सेवा जो आप सर्विस दे रहे हो माल बेचने के बाद विभिन्न प्रकार की हम सेवाएं प्रदान करते हैं उन सेवाओं में भी नव परिवर्तन लाना और उनकी पूर्ति में निपुणता लाना और सक्रियता की भागीदारी निभाना, ये दो विधियां नव परिवर्तन में चलती है। गौर करें नव परिवर्तन, इसे इनोवेशन बोलते हैं, यानी कि कोई भी नए कार्य करना, नए विचारों का इसमें समावेश रहता है। गौर करें जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें नवीनता लाना ही नव परिवर्तन कहलाता है। कोई भी विधि में जो अपन कार्य करें हैं उसमें कोई नई चीज और जोड़ना, नवीनता लाना, नव परिवर्तन कहा जाता है। ये दो विधियों के माध्यम से चलता है। पहली विधि उत्पाद अथवा सेवा में नव परिवर्तन लाना, कोई भी चीज आप उत्पाद कर रहे हो उसमें नई चीज और जोड़ना, जो उत्पाद करने के बाद आप वस्तु को विक्रय करते हो, विक्रय करने के बाद ग्राहकों को और भी जो सेवाएं प्रदान करते हो उसमें भी नव परिवर्तन लाना। अब आपने जो तमाम प्रकार की उत्पाद और सेवा में जो नव परिवर्तन लाए हो उसमें उनकी पूर्ति में निपुणता लाना और उसमें सक्रियता की भागीदारी भी निभाना, ये सब दो विधियां नव परिवर्तन के अंदर सम्मिलित रहती है। तीसरा बिंदु है उत्पादकता। विद्यार्थियों उत्पादकता का मूल्यांकन, कोई भी वस्तु आप जब उत्पाद करते हो उस उत्पाद करने के पश्चात आपने जो वस्तु निवेश की है उसका तुलना की जाती है, उसकी तुलना की जाती है निवेश मूल्य से, तुलना की जाती है कि वास्तव में आपने जो वस्तु निवेश की है उत्पादन करने के लिए, जो राशि निवेश की है वो मूल्य जो निवेश किया उस मूल्य से आप ज्यादा लाभार्जन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उत्पादकता होती है। और एक लंबे व्यवसाय को चलाने के लिए आपको लंबी उत्पादकता लानी होगी, लंबा उत्पादन करना होगा ताकि ऐसी परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी आप माल को सुपुर्द करवा सको उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार, उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार, वही एक व्यवसाय सफल चल सकता है और वो ऐसा लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। तो गौर करें उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य निवेश के मूल्य से तुलना करकर, उत्पादकता का मूल्यांकन कैसे होगा, उत्पादन के मूल्य जो आप उत्पाद जो उत्पादकता यानी कि जो उत्पादित हो गई हो, अब उत्पादन के मूल्य जो आप उत्पादन कर रहे हो उत्पादन के मूल्य और निवेश के मूल्य, जो आपने उत्पाद किया उसके मूल्य और निवेश के मूल्य में तुलना करना होता है। आपने कितना उत्पाद किया है और आपने कितना निवेश किया है, इस निवेश और उत्पाद के मूल्य में तुलना कर किया जाता है, उत्पादकता के बारे में जानकारी ली जाती है। लंबे समय तक चलते रहने के लिए या फिर प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को या फिर प्रत्येक व्यवसाय को अधिकतम सदुपयोग करते हुए, विद्यार्थियों अगर हमें लंबे रेस का घोड़ा बनना है, ये कहावत कही जाती है, उसी प्रकार अगर हमें लंबा व्यवसाय चलाना है तो एक उद्यम को या फिर एक उद्यमी को क्या करना होगा, प्रत्येक उद्यम को अधिकतम सदुपयोग, कोई भी जो संसाधन है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करके अधिकतम उत्पादन किया जाए, उसे वेस्टेज ज्यादा नहीं किया जाए, सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए, तो ही उत्पादकता की प्रणाली सुदृढ़ हो सकती है। गौर करें विद्यार्थियों, तो हमने बाजार की स्थिति को समझा, नव परिवर्तन को समझा और उत्पादकता को समझा, उत्पादकता यानी कि लंबे समय के लिए अगर एक उद्यम को बनाए रहना है, एक उद्यमी को उद्यम को बनाए रखना है तो उसे विशाल उत्पाद करना पड़ेगा ताकि लंबे समय तक हम चल पाए। गौर करें विद्यार्थियों, अगला बिंदु है भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भौतिक एवं वित्तीय संसाधन से क्या तात्पर्य है हमारा। गौर करें भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, भौतिक एवं वित्तीय संसाधन से हमारा क्या तात्पर्य रहेगा। तो भौतिक एवं वित्तीय संसाधन यानी कि एक संस्था या फिर एक व्यवसाय या प्रत्येक व्यवसाय, प्रत्येक व्यवसाय को चलाने के लिए भौतिक संसाधन होने चाहिए, वित्त
होना चाहिए, तभी वो व्यवसाय या उद्यम चल पाता है। और उसके अंदर जब भौतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, संयंत्र हो सकते हैं, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकती है और कार्यालय, ये तीनों प्रकार की ऐसी चीजें, तमाम प्रकार की चीजें जो किसी उद्यम को चलाने की या भौतिक संसाधन की उपलब्धता से ही एक उद्यम चल पाता है, व्यवसाय चल पाता है। भौतिक स्रोतों तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, भौतिक स्रोतों की भी आवश्यकता होती है और वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। और भौतिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो संयंत्र है, मशीन है और कार्यालय जैसी होती है। और ये इनसे ही जो वित्तीय संसाधन, जो हमारे पास धन होता है, कोष होता है, कोष की सहायता से हम संसाधनों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं को तक पहुंचा जा सकता है, उपभोक्ताओं की संतुष्टि की जा सकती है। कहने का तात्पर्य विद्यार्थी है कि भौतिक संसाधन या फिर वित्तीय संसाधन, एक व्यवसाय को चलाने के लिए या एक उद्यम चलाने के लिए आपके पास भौतिक संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। भौतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो आपके पास संयंत्र होना चाहिए, संयंत्र मतलब प्लांट, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के अंदर प्लांट लगे हुए होते हैं, कोई भी जैसे कि कोई भी चीज उत्पादित करने के लिए प्लांट होते हैं, मशीन होती है, प्लांट है, संयंत्र मशीन है, कार्यालय ऑफिस होती है। अब जब इनका उपलब्धता प्रदान हो जाती है तो व्यवसाय आराम से चल पाता है। तो भौतिक स्रोतों तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, एक व्यवसाय के लिए भौतिक स्रोतों की आवश्यकता होती है और वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। एक प्रकार से वित्तीय संसाधनों की आवश्यकताओं का उपलब्ध करवा के हम कोष की सहायता, कोष यानी कि धन यानी कि फंड, हमारे पास कोष हो जाता है, धन इकट्ठा हो जाता है, उस कोष की सहायता से, पूंजी की सहायता से हम संसाधनों को उपलब्ध करवा सकते हैं, वस्तुओं को उपलब्ध करवा सकते हैं और सेवाओं का उत्पादन करकर, संसाधनों का, वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। गौर करें, यही है भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधनों से बात है कि हम कोष के माध्यम से, हम वित्तीय संसाधनों के माध्यम से हम संसाधनों की उपलब्धता प्रदान करवा सकते हैं, वस्तुओं की उत्पादकता प्रदान करवा सकते हैं और सेवाओं का उत्पादन करकर हम उपभोक्ताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। पांचवा बिंदु है लाभार्जन। कोई भी संस्था एक विनियोजित पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट, कोई भी व्यवसाय को चलाने के लिए, उद्यम को चलाने के लिए एक उद्यमी पूंजी लगाता है और पूंजी लगाकर वो विनियोजित करता है यानी इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसे लाभ मिल सके। और वो एक विनियोजित पूंजी के माध्यम से हम जब लाभ अर्जन करते हैं वो ही लाभार्जन कहलाता है। और प्रत्येक संस्था या प्रत्येक व्यवसाय या प्रत्येक उद्यम, कोई व्यवसाय किस लिए करता है, लाभ के लिए ही करता है, उसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो गौर करें, लाभार्जन से तात्पर्य है वो विनियोजित पूंजी पर लाभ के अर्जन से है। कोई भी जो विनियोजित पूंजी इन्वेस्टमेंट की है, पूंजी पर लाभ के अर्जन से, उस पूंजी के आधार पर हम क्या कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ व्यवसाय की सफलता का एक सुदृढ़ प्रशिक्षण होता है। कोई भी व्यवसाय है उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और लाभ उस व्यवसाय का, उस उद्यम का, उस इकाई का एक सुदृढ़ प्रशिक्षण होता है। जहां लाभ है और वो व्यवसाय हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, इसलिए लाभों का ज्यादा से ज्यादा अर्जन होता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमने कुल पांच बिंदुओं को पढ़ा, और भी जो बिंदु है उनको भी हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आगे दो बिंदु और पढ़े हैं, उसके भी हम समझने का प्रयास करेंगे।